हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ये नई रेसिपी है गाइस, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए। आज मैं आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी शरबत की रेसिपी बताने वाली हूँ। आज हम खस का शरबत बनाएंगे। सो गाइस, मैंने ली है यहाँ पे 1 कप शक्कर, खस का मैंने लिया है एसेंस, ग्रीन हम फूड कलर यूज करेंगे, ये पाउडर्ड कलर है, आप चाहें तो लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं। रोज वाटर हम यूज करेंगे 1 छोटा चम्मच, पानी इसमें हम लेंगे 1/4 कप। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गाइस जो मैं आपको रेसिपी के बीच में बताऊंगी, तो पूरी रेसिपी देखिएगा। सबसे पहले एक पतीले में हम शक्कर डाल देंगे। अब इसमें हम 1/4 कप पानी इसलिए मिलाएंगे क्योंकि इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और हमें थिक सिरप बनाना है तो पानी हम इसमें कम डालेंगे। 1/4 कप पानी डाल देंगे। 1/4 कप इसलिए क्योंकि पानी सिर्फ हमें शक्कर को डुबाने के लिए चाहिए और उससे आधा इंच या उससे कम पानी उसके ऊपर रहना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कम पानी शक्कर के ऊपर है। इसको हमें अब कंटिन्यू चलाना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे रखें। पानी हम इसमें कम यूज़ कर रहे हैं इसीलिए आप इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिए, नहीं तो शक्कर नीचे चिपक जाएगी। घर पे अगर गेस्ट आते हैं, बाहर से हम अभी कुछ ला नहीं सकते हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। घर पे आप शरबत बना के बॉटल भर के रख सकते हैं। इसका जो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी आप कितनी कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 ग्राम्स की बॉटल भरूंगी गाइस। 250 ग्राम्स बन जाता है 1 कप शक्कर से। कंटिन्यू इसको हम स्टर करेंगे। शक्कर लगभग पूरी पिघल चुकी है, उबाली आ गई है अच्छे से इसमें। अब हम इसमें हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे गाइस, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा शरबत। यहाँ मैं 1/2 नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। आप नींबू की जगह पे 1/4 छोटा चम्मच नींबू का जो सत आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नींबू नहीं है, नींबू का रस नहीं है तो।
अब हम इसमें रोज़ वाटर डाल देंगे, गुलाब जल। एसेंस डालेंगे इसमें हम 5 से 7 बूंदें, 5 से 7 बूंद हम इसमें एसेंस डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा खस का शरबत रेडी हो चुका है गाइस सर्व करने के लिए। मैं एक ग्लास सर्व कर रही हूँ। यहाँ पहले हम आइस क्यूब्स डाल देंगे 4 से 5 एक ग्लास में। उसमें हम 3 से 4 चम्मच डाल देंगे हमारा जो शरबत तैयार किया हमने वो, और उसमें हम पानी मिला देंगे। अच्छे से इसको स्टर कर लेंगे। खस का शरबत तैयार है, इंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। बचे हुए शरबत को आप, सिरप को आप कांच के बॉटल में भर के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को फैमिली के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।